हेलो गाइस, आज हम सीएससी आईआरसीटीसी के बारे में बात करेंगे क्योंकि काफ़ी लोगों को टिकट बुकिंग करने में अभी परेशानी हो रही है कि और प्रॉब्लम आप लोगों के साथ ये फील होता होगा कि आपका वॉलेट में पैसा रहता है फिर भी आपका टिकट बुक नहीं होता है। तो चलिए आज हम जानेंगे कि अगर हमारे वॉलेट में पैसा है और वो बुक क्यों नहीं हो रहा है। तो सबसे पहली बात, आपको क्रोम में ब्राउज़र में ओपन करना ही नहीं, लॉगिन करना ही नहीं है। वहाँ पर आपको मोजिला फायरफॉक्स में आपको लॉगिन करना, ठीक है। यहाँ पे चलिए, हमारा लॉगिन है सी एस सी का, आई आर सी टी सी जो है। तो एक हम कहीं का भी एक हम टिकट हम ले लेते हैं और हम डेट ले लेते हैं कोई सा भी, ठीक है, जो कि अवेलेबल हमें सीट मिले। तो चलिए एक हमने ले लिया और चलिए हम थर्ड क्लास एसी का ही फर्स्ट एसी हम क्लिक कर लेते हैं। सोचना है तो बड़ा ही सोचेंगे, छोटा क्यों सोचेंगे, हमको बुक तो करना ही नहीं है तो एसी का ही सोचते हैं। फिर बुक नाउ पे आपको क्लिक करना है। बुक नाउ पे आप जब क्लिक करते हैं, आप देखिएगा कहाँ कहाँ पे आप मिस्टेक करते हैं, कहाँ कहाँ पे आप गलतियाँ करते हैं, आप इसे सुधारिएगा, ठीक है। और अगर वीडियो को फुल वॉच नहीं कीजिएगा तो आपको काफ़ी सारा प्रॉब्लम आ सकता है। इसके लिए इस चैनल को अभी से अभी आप सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो इस चैनल पर लेके आते ही रहते हैं। तो कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपका कमेंट का जवाब हम जल्द से जल्द देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ आई एग्री पर आपको क्लिक कर देना है। आई एग्री पर जब आप क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने देखने को आ जाएगा कि कुछ फिल करने वाला जो है, नाम वगैरह भरने का, ठीक है। अगर आप काफ़ी लोग अपने स्टेशन से टिकट बुक करते हैं और उसके दो अगले स्टेशन में बैठते हैं, नहीं तो फिर अगर टिकट आपका स्टेशन से नहीं मिलता तो उसके दो तीन अगले स्टेशन से टिकट ले लेते हैं वहाँ से अगर अवेलेबल रहता है तो। लेकिन काफ़ी लोग वोटिंग नहीं करते हैं। आप टिकट तो ले लिए अपना स्टेशन से, तीन स्टेशन चार स्टेशन पहले, लेकिन अब जिस स्टेशन से बैठोगे आप उस स्टेशन पे आपका वोटिंग तो करना ही पड़ेगा ना। आप जब तक वोटिंग आप करोगे नहीं तब तक आप वहाँ बैठोगे कैसे। आप अगर वहाँ पे वोटिंग नहीं करते हो तो आपका टिकट को बेच दिया जाता है टीटी के द्वारा, ठीक है। हमने काफ़ी बार देखा है, हमारे साथ हुआ है। तो आप ये गलतियाँ ना करें। आपको सामने ही, आप जैसे डैशबोर्ड ओपन होगा आई एग्री करके, आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन दे देगा वोटिंग स्टेशन, ठीक है। आपको जिस स्टेशन से आप टिकट बुक करेंगे वो स्टेशन सबसे ऊपर रहेगा। आप जिस स्टेशन आप बैठना चाहते हैं आप नीचे आपका स्टेशन शो कर देगा, ठीक है। तो आप वो सिलेक्ट कर लें, ये गलतियाँ आप ना करें। आप यहाँ पे नाम डाल दें, आप जो भी है आप अच्छे से इसे फिल कर लें। हमें नीचे का ही सीट चाहिए और यहाँ से कोई सा भी हम एक मोबाइल नंबर हम डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमको पिन कोड नंबर डालना, मोबाइल नंबर, प्लीज़ इंटर ए वैलिड मोबाइल नंबर, ये मोबाइल नंबर नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है हमारे कंप्यूटर में आशय को। तो चलिए हम कुछ नया मोबाइल नंबर देते हैं, ठीक है, देखते हैं ये हमारा काम करता है कि नहीं। हालांकि ये तो किसी का है नहीं लेकिन फिर भी हम यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। चलिए एक हमने यहाँ पे पिन कोड नंबर डाल दिया है। यहाँ पे आपको पोस्ट ऑफिस आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आप जो ये पिन कोड नंबर डालिएगा, आप जिस जगह पे जा रहे हैं, जहाँ पे यात्रा कीजिएगा, अब जिस जगह पे पहुँचिएगा वहाँ का पिन कोड नंबर डालना पड़ता है। अगर आप लोग को प्रॉब्लम होता है तो आप लोग गूगल से आप निकाल ही सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वहाँ का जगह का क्या नाम है वो जगह का नाम आप यहाँ पे डाल दें, ठीक है। तीनों कॉलम में तीन कॉलम आपको मिल जाएगा। फिर स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे इंश्योरेंस का एक ऑप्शन आपको दिया जाएगा, जो ये इंश्योरेंस आपको ले लेना है। काफ़ी सस्ता होता है, 49 रुपये का होता है, केवल 50 पैसे का भी नहीं होता है, 1 पैसे उसमें भी कम। तो यहाँ से आप टिकआउट करके इस इंश्योरेंस को आप ले लीजिए और कंटिन्यू पर क्लिक करके आगे का प्रोसेस के लिए आप बढ़ जाइए। फिर यहाँ आपके सामने कैप्चर जो मिलता है, इस कैप्चर को आप सही सही आप फिल कर दीजिए ताकि आगे फिर आप बढ़ सकें। फिर से आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद काफ़ी लोग यहाँ भी प्रॉब्लम कर देते हैं, पे एंड बुक पर डायरेक्ट क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपका जो भी आईडी का है, सीएससी आईडी नंबर वगैरह नहीं शो करेगा, नहीं मांगेगा, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले यू आर जो एल यहाँ दिख रहा है आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद रेल सीएससी आरडीएस पे पीजी जो है इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद इस पर टिकआउट करने के बाद फिर से पे एंड बुक पे आपको क्लिक करना है, तभी आपका आगे का प्रोसेस होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए तीन ऑप्शन आपके सामने भरने का आ गया है। पहला है जो कि आपका सी एस सी आई डी जो है, वो सी एस सी आई डी का नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। दूसरा आपको पासवर्ड डालना है,
तीसरा जो आप वॉलेट डिजिटल सेवा पोर्टल का आप जो वॉलेट का पिन जो बना के रखे हैं वो पिन को यहाँ पे डालना है, ठीक है। अब आते हैं हम टिकट क्यों नहीं हमारा बुक होता है इस मुद्दे पे। यहाँ पे देखिए 3855 रुपया कुछ पैसा, चलिए 56 मान लेते हैं, इतना हमारा अमाउंट है। इसमें जो GST है प्लस एजेंट चार्ज है, PG चार्ज, ये हमारा यहाँ नहीं जुड़ता है, इस जगह पे नहीं शो करता है, आगे ऑटोमेटिक जुड़ जाता है लेकिन यहाँ पे शो नहीं करता है, ये आप ध्यान दीजिएगा। अगर हम स्लीपर बुक करते हैं तो उसमें हमारा लगभग 40 से 45 रुपया एक्स्ट्रा कट रहा कर जाता है पैसा, जिसमें GST, एजेंट चार्ज, PG चार्ज और कुछ चार्जेस होते हैं। तो इसमें हमारा 45 से 60 रुपये के लमसम कटेंगे, ठीक है। तो 3855 है तो यहाँ पे हमको 3920 रुपये हमको ऐड करना है, रखना है, ठीक है। और दूसरी बात, अगर हमारा वॉलेट में हमारा 3900 का टिकट है, ठीक है, आप लोग देख लें 3900 का हमारा टिकट है, तो हमारा वॉलेट में कम से कम 4200-150 होना ही होना चाहिए। 250 रुपये एक्स्ट्रा अगर वॉलेट में रहेगा तो आपका कभी बैलेंस जो पेमेंट है फ्लैट नहीं होगा, कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा और एक बार में आपका टिकट बुक होगा। ये काफ़ी बार हमारे साथ हुआ था और काफ़ी पहले हमको पता नहीं था जिसके कारण से इसलिए हमारे साथ हो रहा था, लेकिन अब हम एक बार में टिकट बुक करते हैं और वो भी किसी कोई भी प्रॉब्लम की वजह से, ठीक है। तो आप ये प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर लीजिएगा, 250 रुपये एक्स्ट्रा रखिएगा डिजिटल सेवा पोर्टल में, तभी आपका आपका ये कटेगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा, फ्लैट नहीं होगा पेमेंट, एक बार में पेमेंट हो जाएगा और आपका टिकट मिल जाएगा, आपको बुकिंग हो जाएगा। काफ़ी लोग का एक क्वेश्चन आ रहा था कि हमने टिकट कैंसिल कर दिया और 10 दिन 15 दिन हो गया है, हमने OTP वेरीफाई नहीं किया है तो क्या हमारा रिफंड आएगा? तो बिल्कुल आएगा, आप हड़बड़ाए नहीं। अब जब तक OTP वेरीफाई नहीं कीजिएगा 1 महीने 2 महीने तक, अगर 3 महीने आप OTP वेरीफाई अगर नहीं करते हैं तब तक आपका वॉलेट में पैसा नहीं आएगा। तो ये बात आप हमेशा याद रखें, आप जब तक OTP वेरीफाई नहीं कीजिएगा तब तक आपका वॉलेट में पैसा नहीं आएगा। लेकिन आप उतना दिन टाइम ना लें, आप जिस टाइम ही आप टिकट कैंसिल करते हैं, कैंसिल करने का टाइम ही जो भी आप मोबाइल नंबर देते हैं टिकट में, उस मोबाइल नंबर पे OTP चल जाता है, तो आप OTP को वही कस्टमर से आप मांग लें OTP और डाल के वेरीफाई कर लें, ठीक है। और काफ़ी लोग का एक और क्वेश्चन था कि अगर हमारा मोबाइल नंबर गलत है तो क्या हमारा रिफंड आएगा टिकट कैंसिल करने पर? तो बिल्कुल आपका नहीं आएगा, तो आप मोबाइल नंबर सही सही भरें, ये गलतियाँ आप ना करें। अगर अभी भी आप लोग को कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग जल्द से जल्द कमेंट करें, आप लोग कमेंट का जवाब हम जल्द से जल्द देते हैं। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए हमें इजाज़त दीजिए।